अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। ये मैं आपको पहली दफ़ा कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद दूसरी दफ़ा भी मेरी बहन कहने वाली है। व्लॉग मेरा नहीं है, व्लॉग बेसिकली उसका है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रैंडम व्लॉग होने वाला है, तो रैंडम व्लॉग के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, सिर्फ एक बात थी जो मैंने कहनी थी, और मैंने सोचा कि अगर उस बात के लिए मैं पूरा व्लॉग बनूंगी तो आप लोग देखोगे नहीं, और इट विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड। बात जरूरी थी इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ। ऊपर से मैं पिछली दफ़ा जब कहा था तो कमेंट्स में भी आप सबने पूछा था कि क्या होने वाला है, मंगनी शंगनी। कोई मंगनी शंगनी नहीं हो रही, ठीक है, अगर हुई भी तो वो बिना बताई होगी। अच्छा खैर, बात ये थी कि मेरे अबू का ऑपरेशन था कैटरेक्ट का। कैटरेक्ट जो नॉन मेडिकल बच्चे हैं हमारे, उनको मैं बता दूं, कैटरेक्ट इज आंख पे जो पर्दा आ जाता है, उसका ऑपरेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी है और अबू रिकवरी में चल रहे हैं अभी। चूंकि मेरे अबू पठान अबू हैं और सबको पता है कि पठान अबू बहुत जज्बाती होते हैं, वो कॉल पे भी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं कि अगले बंदे को दूसरे मुल्क से भी बात सुनाई दे, मतलब अगर सऊदी में बात करें तो पाकिस्तान से वो इतना चिल्ला के बात करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि फ़ोन को ज़्यादा जहमत ना करनी पड़े, उनकी आवाज़ खुद ब खुद पहुँच जाए सऊदी तक। तो हर पाकिस्तानी अबू की तरह मेरे अबू भी, पाकिस्तानी कहूँ पठान अबू की तरह मेरे अबू भी थोड़े जज्बाती से हैं। तो रिकवरी में आप दुआ करें कि अबू को अल्लाह थोड़ा सब्र दे ताकि वो आराम से बात करें, और जो डॉक्टर ने हिदायत दी है वो हमारी बात मान लें और डॉक्टर की बात मान लें। डॉक्टर ने उनको डायरेक्टली नहीं बोला, हमें बोला है, तो अब अबू को यकीन नहीं आ रहा, अबू को यकीन नहीं आ रहा कि हम भी डॉक्टर्स हैं, हम भी कुछ बता सकते हैं, उनको हमारे मशवरे पर भी अमल करना होता है। तो आप लोग कमेंट्स में कुछ बता दें अबू को, शायद वो आपकी बात मान लें, हमारी नहीं मान रहे हो। और ये व्लॉग अबू देखने वाले हैं, मैं अबू के सामने ये बातें नहीं बोल सकती, मैं यहाँ पर जो बोल रही हूँ ना, अबू ने जाके मुझे घर में चित्तर मारने कि तुम व्लॉग में मेरा नाम बदनाम कर रही हो। बहरहाल, दुआओं की दरख्वास्त आप सबसे, और जो लोग मुझे कहने वाले हैं कि जरा पागल हो गई है, सर्दियाँ आई नहीं और ये खद्दर पहन के बैठ खड़ी हुई है, हाँ मैं पागल हूँ, मुझे बहुत सर्दी लगती है। अच्छा, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है और मुझे खद्दर बहुत पसंद है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, ब्लॉग को कह देना मेरी बहन का पूरा ना देखा तो मुझसे बात ना करना, अगले ब्लॉग में मैं नहीं आ रही, फिर मैं उसी को पकड़ के वहाँ पे खड़ा करूंगी, उसी के ब्लॉग देखना तुम लोग, ताकि वो देखे ही नहीं। नहीं देखेंगे, देखोगे ना, सारे कमेंट में बोलो यस हम देखेंगे मेरी बहन का पूरा ब्लॉग, और उसका अगला ब्लॉग भी आएगा। बहुत मजे किए हैं उसने मेरे बगैर, अल्लाह उसको पूछे, और जलील भी हुई है मुझसे कम, मैं ज्यादा हुई थी ओरल वीक में, है ना। अच्छा, वो कह रही है व्लॉग लंबा करिए, ओके बाय, उसका व्लॉग देख लो, मैं जा रही हूँ, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। मुझे तो आप सब जानते ही होंगे, मैं खान व्लॉग्स की वो नुमाइंदा हूँ जो कायदे आज़म में पाई जाती हूँ। तो गाइस, इतने दिनों के बाद हमारी मुलाकात की जो वजह बनी है वो है LQS की एक्टिविटी, जिसमें हमने जो पोली कम्पेन हुई थी 2 से 8 तारीख तक, जिसका आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, उसकी क्वालिटी असेस करनी है जगह जगह जाके कि कैंपेन किस तरह से चली है, प्रॉपर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए हैं या नहीं, उसकी एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है जिसके हमें 2 दिन ट्रेनिंग दी गई है, और अब हमारे 2 दिन फील्ड वर्क है, मतलब हमें जो यूनियन काउंसिल असाइन किए गए हैं हमें उसमें जाके प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करना है और अपनी रिपोर्ट आगे सबमिट करवानी है। पहले दिन तो हम यूनिवर्सिटी से निकले हैं और अभी यूनिवर्सिटी से निकले हुए 1 घंटा हो चुका है हमें, और अभी गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग आधा घंटा हमें और भी ट्रैवल करना है। रवात रूरल जा रहे हैं हम, और आई गेस बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे इस जगह का पता नहीं था, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में जा रही हूँ, तो वहाँ पर पहुँच के जाके देखते हैं कि किस तरह के लोग मिलते हैं और किस तरह हमारी ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं अपने क्लस्टर में और हमने अपने क्लस्टर की रिवीजन कर ली है। अब हम जो है अपना रेफरेंस हाउस एस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए हम करो, अच्छा जिस तरफ हमारी पेन की टिप जा रही है हमने उस तरफ अपना रेफरेंस हाउस एस्टेब्लिश करना है। ये रहा हमारा रेफरेंस हाउस और हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। गाइज, रेफरेंस हाउस तो हो गया, अब हम अपना घर ढूंढने के लिए हमें टाइम लग रहा है। ये मिल गया हमें अपना घर, अपना डेटा फिल करके फिर बात करते हैं। ये एरिया है, स्टार्ट हमने ले लिया, लेकिन ये कुछ 3 घर हैं, एक का हमने इंटरवल लेना है ना। हाँ, एरिया बहुत हिली है, पहाड़ी इलाका है, तो फिर से उसी रास्ते में फिर से पहाड़ी इलाके की क्लाइंबिंग। ये आगे से डेड एंड नज़र आ रहा है, पीछे से भी हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। जो घर कर लिए हैं उसके सामने वाले घर नहीं कर सकते, लिहाजा अब इस गली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारा एक क्लस्टर पूरा हो गया फाइनली, बड़ी मेहनत तो मशक्कत के बाद, बहुत सारे घर भी स्किप हुए, लेकिन शुक्र है क्लस्टर एक पूरा हो गया, तो हम दूसरे क्लस्टर की तरफ जा रहे हैं। जब आप अपने घर से लंच ना लेकर आएँ और आपको यहाँ की टक शॉप से जो मिले उस पर गुजारा करना पड़े, इमली एंड एप्पल का जूस। दूसरे क्लस्टर के लिए हम निकल गए हैं, लेकिन गूगल मैप्स भी हमें अब रास्ता नहीं बता रहा, तो लोकल से पूछ पूछ के जो रास्ता हमें पता चला है उसी पर हम चल रहे हैं।
अब वहाँ पहुँच के फिर दूसरा करते हैं। टाइम भी काफ़ी लेट हो रहा है, 1 बजने वाला है और हमें 4 बजे से पहले घर भी पहुँचना है। फिर हमारा दूसरा क्लस्टर, शीमा क्या तासुरात हैं? बहुत बुरे तासुरात हैं। सेम हेयर, टाइम बहुत हो गया है, हमें घर भी वापस जाना है, 2 क्लस्टर्स रहते हैं। अल्लाह करे जल्दी जल्दी से घर मिल जाए और जल्दी जल्दी से हम डेटा लेके बस यहाँ से निकलें लास्ट क्लस्टर के लिए। लग तो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे घर अभी बन रहा है, न्यू रिहायशी स्कीम है तो घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जितने घरों का दरवाज़ा हमने बजाया कोई दरवाजे नहीं खोल रहा, किस्मत हमारी। पहला घर हमारा पहले क्लस्टर में मिल गया हमें, और उसके बाद से अब हम चल रहे हैं। अल्लाह करे हमें 10 के 10 घर जल्दी से मिल जाए और हमारे क्लस्टर पूरा हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें अंदाज़ा नहीं था इतनी ख्वारी होगी, काफ़ी ख्वारी हो रही है। हमारे बाकी जो टीम, मतलब बाकी टीमें जो बनी है वो मेन इस्लामाबाद में करी सेक्टर्स में, तो उन्हें इतना मसला नहीं है। हम आए हुए हैं गाँव वगैरह में तो यहाँ पर मसला हो रहा है, ऑल दो इस्लामाबाद है फिर भी। तो जल्दी से हम कोशिश करते हैं ख़त्म करें, मिलते हैं उसके बाद। अल्लाह हाफिज़। यार बड़ा ही आला और हसीन घर मिला है वैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे। ये मुझे फ्री का फोटोग्राफर बना के साथ में लेकर आई है, पुराने ज़माने के घर लग रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है मैं 90s में आ गई हूँ गलती से, किसी ने कैसेट चला दी है 90s की। वैसे ये एरिया तो है इस्लामाबाद से काफ़ी दूर, लेकिन हमें अभी आज पता चला कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में ही आता है, तो अगर किसी को यहाँ पे घर लेना है मुझे लग रहा है सस्ते में मिल जाएंगे, बड़े बड़े आलीशान हवेली टाइप गांव वाले घर किसी को लेना है। मैं फ्री की मार्केटिंग कर रही हूँ, ये पीछे देखिए ना सारे इस तरह से हैं, न्यू एरिया है, बन रहा है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है सारे घर तकरीबन। किस्मत हमारी ख़राब है जो हमें ऐसे मिल गए मतलब एरिया, क्योंकि इसमें बच्चे मिलना मुश्किल है और हमें बच्चे पूरे करने हैं, वो भी अपनी मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं कर सकते स्किप शिप। तो जो घर मिल रहा है वो बहुत सारे स्किप करने के बाद, घर स्किप करने के बाद मिल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से डेटा लें और अगले क्लस्टर में जाएँ। ओप्स, ये हम पता नहीं कहाँ आए हुए हैं, जहाँ भी आए हुए हैं बहुत ख़तरनाक जगह आए हुए हैं। गाइस हमारा क्लस्टर ख़त्म हो गया, दूसरा भी आज के लिए, 1 क्लस्टर रह गया और घंटे के अंदर उसको ख़त्म करना है ताकि हम टाइम से घर भी पहुंच सकें, क्योंकि काफ़ी दूर है हमारी यूनिवर्सिटी से भी, घर से भी, जिस एरिया में हम आए हुए हैं। तो अब तीसरे क्लस्टर में अल्लाह करे हमें घर जल्दी जल्दी मिल जाए और क्लस्टर जो है आराम से मिल जाए, आइडेंटिफाई कर लें और हम अपना काम शुरू करके ख़त्म भी कर लें। ठीक है, ये वाला है पिन के, अच्छा ये वाला रेफरेंस हाउस है, ठीक है रेफरेंस हाउस की तरफ मुँह करो, मतलब हाँ बैक करके 6 काउंट करने हैं। आखिरी क्लस्टर और फिर हम आज़ाद, और मौसम भी हसीन हो गया। रुको शीमा सांस लेने तब तक। यार इतने हसीन मौसम में इतना चलवाना नहीं चाहिए था वैसे हमें, इतने हसीन मौसम में बंदा मेरी बात कर रही हो ना तुम? नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, हसीन पार्टनर इज़ मी, ये मैं हसीन पार्टनर, मैं हसीन पार्टनर हूँ। हाँ बट्टा शुबट्टा खराब हो गया होगा, जो अपने लोग होते हैं ना अपने मुंह में मियां मिट्टू बनते हैं वही वाले लोग हैं। नहीं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं है, अपने मुंह मैंने तारीफ की है कोई भैया कितने में क्या कर रही सीमा तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही हूँ भैया, मैं तो तुम्हें लेने के लिए आई थी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार, मतलब कितना चढ़ना है? 1 मिनट, ये देखिए ना वहाँ से स्टार्ट लिया था हमने, और ये इस कचरे की बात करी थी ये लड़की, मैचिंग तुम्हारे साथ हो रही है ज़्यादा कचरे की। अच्छा और हमें आगे तक जाना है तो आए हमें, हम मसरूफ़ हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए क्लस्टर, सांस मारी फूल गई। आसमान का हसीन मंजर आपको दिखाया जाए जिसको हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सर पे तलवार लटकी हुई है टाइम की, हमें टाइम से पहले ख़त्म कर, पकड़ो ना, तुम ना होती तुम्हारा क्या होता, मैं ना होती तुम्हारा क्या होता, मैं तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। हाँ 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 तो तुम्हारी भी बुरी है मेरी भी बुरी है, आदत की बात है तुम्हारी, अभी एक ही घर हुआ मेरी भी छूट जाएगी। नहीं आदत की बात नहीं होती, ये सोहबत की बात होती। अब फिलोसफी है ना जिड़वा, कितने प्यारे फूल हैं, चेक करिए ये किस चीज़ के फूल हैं शीमा, पक्का मैं एक तोड़ लूँ, दिस फूल फॉर योर फूल, इस पर कीड़े लगे, मैं भी ले लूँ, मामा घर पे हैं, बाबा कोई घर पे बड़ा मामा है, मामा बुलाना, शिव पानी और बोतल वो डका तो कहना सड़े वो यखे वो
सड़ी हुई चेक गाइस, ये चेक करें मजदूर के हाथ। हमें हाथ धोने के लिए जगह चाहिए। हाथ तो सिर्फ क्या मुंह भी मजदूर वाला। अजानी हो रही है, बारिश का मौसम मजीद होता जा रहा है। मेरे लिए क्या रखना, हमारी हालत ख़राब हुई भी है। हम किस इलाके में आ गए हैं, क्या कर रहे हैं हम? क्या कह रही है कि मेरे लिए? गाइस हम अपनी कंपेन पूरी कर रहे थे कि आंधी आ गई और आंधी से यह हशर हो गया। मुझे बनना पड़ा, आई गेस आपको नज़र आ गया होगा कि क्या हालत हो गई है। दरवाज़ा नहीं, उसे कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा, तो हमें घर स्किप लिखो ना। अभी यहाँ से निकल गए अपने घर के लिए, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी है काफ़ी फासला हमारा घर मशरक और ये मगरब में है, इस तरह का मामला है। तो ऊपर से आंधी वाला मौसम भी हो गया, आंधी होके भी गुजर गई है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो मतलब बस खैर से हमें पहुँचाए। तो ये था हमारा पहला दिन। दूसरे दिन की अगर मैं वीडियो बना सकी, ब्लॉग बना सकी, तो मैं अपलोड कर दूँगी, वरना फिर यहाँ तक हमारा था साथ, यहाँ तक हमारा। ये हमारा लंच आज का, ब्रेकफास्ट भी, क्योंकि पहले कुछ खाने को मिला नहीं था, हमें घर से खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो बारिश के इस हसीन मौसम में हमारी घर वापसी हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।